सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग, इट्स योर ब्रो MJ। और भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आप सबके लिए, और मेरे लिए तो है ही बहुत ही ज़्यादा खुशी की, बहुत ज़्यादा खुशी की। क्यों? क्योंकि मैंने ले लिया एक नया हेलमेट, और आज हम उसके करने वाले अनबॉक्सिंग, और आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा हेलमेट है कौन सा नहीं। ठीक है, मतलब ये हेलमेट मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इससे भी ऊपर है एक जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। बट देखो, स्टार्ट था, अब उससे ऊपर एक स्टेप बढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो आगे चाहिए होगा वो लेंगे। ठीक है, तो अभी ये एक नया हेलमेट लिया है, उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और उसके फीचर्स बताते हैं क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपना नया हेलमेट, और ये देखो आप, ये है मेरा नया हेलमेट। तो ये है SMK का, चारों तरफ इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है, और पैकेजिंग देखो आप कितनी बढ़िया है। ठीक है, तो आप करते हैं इसको अनबॉक्स और आपको भी दिखाते हैं और मैं भी देखता हूँ। तो यहाँ से अनबॉक्स करते हैं ऐसे, देन ये। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको दिखता है अंदर एक बैग, और बैग के अंदर दिखता है अपना हेलमेट। तो ये है हेलमेट हमारा, और ये अपना बैग है। तो बैग ऐसा है कि इसको आप टांग के भी अपना ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो हेलमेट को, और इस पर बैजिंग देख रहे हो आप SMK की लगी हुई है, ब्रांडिंग हुई हुई है। ठीक है, तो आप इसको करते हैं ओपन और दिखाते हैं आपको इसको अंदर से, और कौन सा है हेलमेट वो भी दिखाते हैं। तो कर दो रिवील। तो ये है हमारा न्यू हेलमेट, क्या ग्राफिक्स हैं, क्या फिनिशिंग है, कितने खूबसूरत एरोडायनेमिक्स भाई, देखो है कि नहीं, ग्राफिक देखो, फिनिशिंग देखो, ये क्लियर वाइजर आता है, वेंट्स वगैरह इसके बहुत बढ़िया हैं, पैडिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छी है। ठीक है, पीछे से अपना शेप देख रहे हो। तो अभी इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा, क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, जैसा आप देख ही रहे हो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ग्राफिक्स की, इसके कलर कॉम्बिनेशन की। तो कितना ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और सब जगह हुई हुई है इसकी ब्रांडिंग, जैसे फ्रंट में यहाँ हुई हुई है, यहाँ SMK की ब्रांडिंग हुई हुई है, यहाँ पीछे भी हुई हुई है, फिर इस साइड भी है ये वाली। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा लगता है, और ग्राफिक बड़े प्यारे हैं इसके। ठीक है, और आप शेप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इसके वेंट्स की। तो वेंट आता है सबसे पहले अपना ये आगे वाला, तो ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा ये टाइट है क्योंकि अभी यूज़ नहीं है। तो ये देखो, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, फिर आते हैं दो वेंट यहाँ पर ऊपर, ये इसके क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन। ठीक है, और ये आता है इसका पीछे एग्जिट वेंट, जो होता है हमारा, जो फ्रंट से एयर जाती है वो पीछे से अपने स्कल्प की जो जगह दिया हुई होती है, जो गैप दिया हुआ होता है, वहाँ से वो निकल के पीछे की तरफ से निकल जाती है। तो ये हुआ इसके वेंट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके वाइज़र की बात। ठीक है, अब वाइज़र पे आते हैं। तो वाइज़र में हमें देखने को मिलता है क्लियर वाइज़र विद पिन लॉक, ये आप देख ही रहे हो पिन लॉक के साथ है, ये रहा और ये रहा। तो इसके अंदर अपना लग जाता है एंटी फॉग। ठीक है, इसके अंदर अपना एंटी फॉग लग जाता है, और एंटी फॉग का फ़ायदा ज़्यादातर लोगों को पता ही है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो एंटी फॉग का काम होता है अपने रेनी सीज़न में और विंटर सीज़न में, ये काम आता है जब हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं वाइज़र को, तो अंदर एक फॉग इकट्ठा होता है। ठीक है, तो वो क्लियर विजन के लिए, ताकि हम साफ देख सकें सामने, उसके लिए अंदर लगता है एंटी फॉग, जो छोटा सा एक अलग से प्लास्टिक की शीट होती है वो लगती है। ठीक है,
तो वो भी इसकी अभी लेंगे, और दूसरा वाइज़र भी इसका आप बाहर से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाहर से परचेज़ करोगे तो पता है कितने का पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500-550 बस इसके अराउंड, और ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है। फिर अब बात करते हैं इसकी पैडिंग्स की। तो भाई पैडिंग में सबसे पहले आ जाता है यहाँ हमारा चिन कर्टन, देन आ जाती हैं ये साइड पैडिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और फिर बात कर लेते हैं, ये देख रहे हो आप नीचे, ज़्यादातर जैसे हम लॉन्ग राइड करते हैं, लॉन्ग टूर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी नेक में पेन होता है, तो उसके लिए ये नीचे दिया जाता है इसमें नेक सपोर्टर ये वाला, ठीक है। और अंदर की पैडिंग आप देख ही रहे हो, अंदर की जो पैडिंग है ना वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी है और वॉशेबल तो होती है। देखो वॉशेबल अब आती हैं ज़्यादातर हेलमेट्स में, हाँ अगर कम रेंज वाले हैं तो उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा सा अपनी रेंज के बाहर नहीं है, अपनी रेंज में बहुत अच्छा हेलमेट एक ये है। और देखो यहाँ पे मेरा बिल्ला मेरे डब्बे को फाड़ने को लगा हुआ है, उसको मैं भगाता हूँ ज़रा, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसके अंदर की पैडिंग की। अंदर वाली जो पैडिंग है ये हमारे स्कल वाली जो पैडिंग होती है, स्कल वाली, उसमें इतना अच्छा गैप दिया है, इतने अच्छी जगह स्पेस दी हुई है कि आराम से जो भी हमारी एयर अंदर जाती है वो आराम से पीछे क्रॉस हो जाती है और स्वेटिंग थोड़ी कम होती है उससे, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे थोड़ी सी इसमें जो अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं भी लगी आप कह सकते हो, या ठीक है चल जाएगी, बट अगर आप इस सेगमेंट का हेलमेट लेते हो जिसमें पिन लॉक दे रहे हो, ग्लॉसी दे रहे हो, इतने अच्छे वेंट दे रहे हो, ठीक है, इतने प्यारे ग्राफिक्स दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको देना चाहिए डबल डी लिंक, क्योंकि वो सेफ्टी के मामले में ज़्यादा बेटर है इस वाले क्लिप वाले लॉक से। तो ठीक है चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन डबल डी होता तो मैं कह सकता हूँ इस हेलमेट को बीट नहीं कर पाता कोई इतनी रेंज में। तो ये है अपना 4300 की रेंज में आपको ये पड़ जाएगा, ठीक है। बट आगे एक और चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये हो गई इसके बारे में बात, और अब बात करते हैं इसके वेट की। तो वेट है इसका 1 kg 550 ग्राम, मतलब आप 1550 ग्राम, ये देखिए, ठीक है, ये इसका वेट दिया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 किलो का अपना हेलमेट है, और मेरे आता है एल साइज़, तो ये 590 mm यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ही आसान हो जाता है जिससे हम आराम से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये आप देखना, आपको पता होगा जैसे ISI मार्क होते हैं, इंडिया में चलता है ISI मार्क, फिर दूसरा होता है DOT जिसको कहते हैं डॉट, ठीक है, डॉट सर्टिफाइड। बट ये वाला जो हेलमेट है SMP के जितने भी हेलमेट हैं वो सब ही ECE सर्टिफाइड होते हैं। ECE सर्टिफाइड मतलब कि ये यूरोप का है, कि यूरोपियन ECE सर्टिफाइड है, तो ये डॉट से भी ऊपर होता है, ठीक है, ये डॉट सर्टिफाइड से भी ऊपर होता है। तो ये सेफ्टी के मामले में भाई बेस्ट हेलमेट होते हैं SMK के, ये मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, और जिसने जो यूज़ करा होगा वो उसके बारे में जानता होगा, लेकिन दिस वन इज़ अमेजिंग। और आई थिंक इसके बारे में मैंने सब कुछ ही आपको बता दिया है। हाँ एक चीज़ और रह जाती है, ये जो आप अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है ज़्यादातर जो आप ब्रीथ करते हो तो उसकी वार्म जो ब्रीदिंग होती है, वार्म जो गर्म हवाएं होती हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं, वो हमारे वाइज़र पे ना आए, तो ये उसके लिए होता है। ये ऊपर गर्म हवाएं नहीं आने देता, ये नीचे ही रखता है उसको, तो उसकी वजह से फॉग वगैरह या थोड़ा सा मतलब विजन उसका क्लियर रहता है, ठीक है। तो भाई ऑलमोस्ट मैंने इसका सब कुछ आपको बता ही दिया है, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा हेलमेट, कैसे लगे इसके ग्राफिक्स, देखो यार कितना कूल है, यार कितना कूल है ना। और ये देख रहे हो वाइज़र पे भी SMK की ब्रांडिंग हुई हुई है, अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें पता है आप स्पॉयलर भी लगा सकते हो पीछे, बाहर से मिल जाता है, ज़्यादा कॉस्टली वो भी नहीं है, वो भी बहुत सस्ता मिल जाता है। और इसके जो वाइज़र वगैरह हैं दूसरे वो भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं,
जैसे आपका मर्करी होता है, कोई ब्लू यूज़ करता है, कोई ब्लैक यूज़ करता है, तो बाहर से आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ इसको पहनकर, तो आप लोग बताना कैसा लगा पहनने के बाद। ठीक है, और बहुत ही देखो अभी पहन के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ये दिखा देता हूँ। बहुत आसान है इसको अनलॉक करना, वाइज़र को निकालना, जस्ट कुछ नहीं है, हल्का ये नीचे पुल करो, ठीक है, और ये वाइज़र बाहर आ जाता है। ये पुल करा और ये एक क्लिप निकली, फिर इसकी दूसरी क्लिप निकली, तो ये आराम से आसानी से बाहर आ जाता है। ऐसे ही दूसरी तरफ का निकालो और चेंज कर लो, तो बहुत आसान इसको निकालना भी है और बहुत ही आसानी से ये लग भी जाता है। तो मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो पहले अंदर ये जाता है, देन पीछे वाला लॉक, एंड ये सिंपली लॉक हो गया। देख रहे हो कितना आसान है, मतलब कितनी आसानी से ये लॉक हो गया। तो ओवरऑल सब कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो कैसा लगा हेलमेट, कैसा नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बताना। और अभी मैं इसको पहन के दिखा देता हूँ, तो फिर लुक आपको सही से पता चलेगी कि क्या देता है ये लॉक। अभी मैं इसको पहन के दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। तो पहनने के बाद कुछ ऐसा ये दिखता है, और भाई सही बता रहा हूँ, इसकी कुशनिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब आप ये नहीं लगेगा कि आप घुट रहे हो या कुछ है, ठीक है, आराम से फिटिंग है, चिन अपने चीक्स वगैरह आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा खासा स्पेस है, सब कुछ है, बढ़िया है। और ये हम कर लेते हैं इसको लॉक, तो आप ये देख ही रहे हो कैसी इसकी लुक आ रही है, ज़रूर बताना। और मैं वाइज़र कर लेता हूँ क्लोज़। तो भाई नॉइस कैंसिलेशन के हिसाब से जो व्लॉगिंग करते हैं लोग, जैसे मैं करता हूँ, तो मुझे नॉइस कैंसिलेशन इसमें बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं यूज़ करूँगा तो और पता चलेगा कि कैसी होगी। ठीक है, और बहरहाल एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पर इसमें माउंट अपना वाला नहीं लगा सकता, चेन माउंट जो स्ट्रैप वाला आता है, मेरे ख्याल से ब्लू आर्मर का आता है, वो वाला मैं इसमें यूज़ करने की सोच रहा हूँ। तो लग रहा है मुझे कि लग जाएगा, क्योंकि इसका वेंट थोड़ा नीचे तक है, तो हो सकता है मुश्किल पड़े, और मुश्किल पड़ी तो मैं ये स्ट्रैप वाला ही यूज़ करूँगा अगर लगा सका तो, नहीं तो फिर मैं इसमें साइड में कहीं माउंट करूँगा। ठीक है, तो भाई आप पहनने के बाद भी मैंने आपको दिखा दिया कि आप बढ़िया लग रहा है। सो हेलमेट आपने देख लिया है, ठीक है, सब कुछ आपको बता दिया है, कितना बढ़िया एकदम ग्लॉसी सब कुछ आ रहा है उसका, है ना, लुक आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर किसी को ये ख़रीदना है, ठीक है, किसी को SMK के हेलमेट या कोई भी हेलमेट वगैरह कुछ लेने हैं, तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा और वीडियो में भी नीचे डाल दूंगा, तो ज़रूर से मुझे DM कोई भी कर सकता है फ्रीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को भी अगर हेलमेट चाहिए, एसेसरीज चाहिए, या जैकेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह कुछ भी चाहिए, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे डिस्काउंट पर आपको मैं दिलवा दूँगा, ठीक है, बहुत अच्छे डिस्काउंट पर। तो ज़रूर से इसको ध्यान रखना, अगर किसी को चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली बात करो, मैसेज करो, कोई परवाह नहीं है। तो अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा हेलमेट ज़रूर बताना कमेंट में, और शेयर करना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों में भी, अपने व्हाट्सएप पे, अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें ये वीडियो शेयर करना। बेसिकली जो राइडर्स हैं उनको ज़रूरत पड़ती है हेलमेट्स की, अच्छे हेलमेट्स की उनको चाहिए होते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि सबको ही यूज़ करने चाहिए, एक अच्छा हेलमेट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि भाई ये बड़े हेलमेट हैं, ख़रीद नहीं पाएंगे, तो वो छोटे मोटे हेलमेट यूज़ करते हैं, फिर उससे क्या होता है कि जब कुछ भी हो जाता है, मतलब रोड पे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, वो हेलमेट उनको सेफ नहीं रख पाता। तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप आओ मेरे पास और मुझसे ले जाओ हेलमेट, मैं आपको बहुत अच्छे रेट में, कम रेट में दिलवा दूंगा, क्योंकि सेफ्टी इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, तो सेफ्टी को लेके चलो और हेलमेट ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टैक्ट करो और आ जाओ।
ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप सबको हेल्पफुल रही होगी आप सबके लिए ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ MJ व्लॉग, बूम।